हेलो स्टूडेंट, मैं एस पी सिंह। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सांख्यिकी स्टेटिक्स। ये हाई स्कूल में गणित का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें 6 से 8 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे प्रत्येक वर्ग यानी कि कमजोर भी छात्र भी इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है मीन यानी कि माध्य। तो माध्य इसमें पूछते हैं, माध्य निकालने की 3 विधियाँ हैं। सबसे पहली विधि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली विधि है, फॉर्मूला है इसका, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। अब इसमें देखो किस तरह के क्वेश्चन हुए हैं। सिग्मा एक्स का मतलब है दिए गए आंकड़ों का जोड़, एन है उनकी संख्या, और यहाँ एक्स बार से मतलब है समांतर माध्य। तो आप देखो इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, फिर इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे कि यहाँ है क्वेश्चन। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, और फिर 7, और ये 11। ये कहलाती हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। अब हमें इनका क्या निकालना, मीन निकालना, यानी इसको हम समांतर माध्य भी कह देते हैं, मीन भी कह देते हैं, एवरेज भी कह देते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य पहले फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। अब देखिए सिग्मा एक्स बार का मतलब दिए गए आंकड़ों का जोड़, तो दिए गए आंकड़े सबको जोड़ कर लिख दीजिए यहाँ पे। तो यानी कि ऐसे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटे में आएगा इन सब का संख्या, 1 2 3 4 5, 5 है तो बटे में लिख दिया हमने 5। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 5 5 10 7 17 और 11 हो गए 28। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 5 25, 3 बचे, और ये पॉइंट लगाया 0 5 6 30, तो इसका आंसर आ गया 5.6। एक आंसर आपका यह आ गया। तो इस तरह का जो समांतर माध्य वो कहलाता है अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ इसी में का। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। यदि एक्स एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है तो एक्स का मान याद कीजिए। क्या निकालना हमें, एक्स का मान निकालना। तो देखो ये क्वेश्चन में कैसे करते हैं इसको, तो इसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। एक्स बार से मतलब है दिए गए आंकड़ों का जोड़ बटा उनकी संख्या। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, एक्स बार ऐसे रहा और सिग्मा एक्स की जगह ये सब जोड़ देंगे हम, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 और प्लस, अब हो गया। अब बटे में क्या लिखना, इनकी संख्या। आप देखिए बटे में कितने हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 है बटे में, बटे में हमने लिख दिया 5। अब देखिए जो एक्स बार है इसकी जगह समांतर माध्य हमें दे रखा 11 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स बार की जगह रख देंगे 11। अब इसको पहले जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5, तो एक्स आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 4 6 6 12 और 8 20, ये हो गया प्लस के 20, और बटे में क्या आएगा 5। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, मैं इधर कर देता हूँ इसको। देखिए तो यहाँ से 11, अब ये गुणा में पहुँच जाएगा 5, इधर जोड़ेंगे ये हो गया 5x प्लस 20। तो यहाँ से 11 5 55, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये है 5x, तो 55 में 20 कितने बचे, ये बचा 33, और ये 5x, तो x कितना आ गया 35 बटा 5, यानी 5 7 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये हमारा आ गया आंसर। तो इसको अच्छे समझ लीजिए, देखिए देखिए ये था क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। यदि ये
का समांतर माध्य 11 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहले हमने फॉर्मूला लगाया, सिग्मा एक्स का मतलब दिए गए आंकड़ों का जोड़, इन सब का हमने जोड़ कर दिया, ये आ गया 5x प्लस 2n। 5 को हम इधर ले गए तो हो गया 11 पंजे 55, जो है 11 पंजे 55। और उसके बाद यहाँ से देखिए 5x प्लस 10, इसको हमने क्या कर लिया, पक्षांतर कर लिया, तो ये 55 में से 20 आया 35, और 5 से भाग दे दिया, आंसर आ गया हमारा 7। अब देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो है ये फॉर्मूला, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। अब ये देखिए ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें सारणी के रूप में दे रखे हों आंकड़े, अगर सारणी के रूप में नहीं दे रखे हैं तब तो हम अभी जो पहला फॉर्मूला हमने बताया वो लगा देंगे, और अगर सारणी के रूप में दे रखे हैं तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से समांतर माध्य निकालेंगे। तो इसको भी मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको कराता हूं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, हमें इसका माध्य निकालना है। अगर ये टेबल के रूप में दे रखा है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यही वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, एक्स बार बराबर ये फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो एक्स बार पहले टेबल हम बनाएंगे, देखिए जो चीज़ इसमें है ये सब कॉलम हम इसमें बनाएंगे, तो टेबल के लिए देखिए हम सबसे पहले टेबल इसकी हम बना लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें हम रखेंगे, देखिए जो टेबल बनी है इसमें सबसे पहला लिखेंगे मध्यमान, फिर बारंबारता, फिर इन दोनों की आपस में गुणा, यानी कि एफ एक्स, इसको हम एफ एक्स बोल देते हैं। अब देखिए मध्यमान में एक्स यहाँ से लिख दीजिए, यहाँ उठा के क्या है 15, फिर 25 और फिर 35, 45 और लास्ट में है 55, ठीक है। और एक कॉलम हम यहाँ जोड़ने के लिए रख लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बारंबारता, बारंबारता कितनी है 2। बारंबारता का मतलब ये है कि जो अंक जितनी बार रिपीट होता है वह उसकी बारंबारता कहलाती है। यहाँ पर देखिए 15 अंक जो 2 बार आया हुआ है इसलिए इसकी बारंबारता 2 हो गई, और 25 अंक 4 बार आया हुआ है तो इसकी बारंबारता 4 हो गई। तो यहाँ पर 4 मैंने लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 6। अब बस करना क्या हमें, देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार f और x की मल्टीप्लाई करनी है, तो f ये है x ये, इनके आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना। तो 15 दुनी हो गए 30, 25 चौका 100, 35 सत्ते 7 पंजे 35 का 5, और 7 21, 21 सत्त 3 हो गए 24, और 6 पंजे 30 का 0, 6 चौक 24, 24 और 3 27 और ये 55। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ के जो आएगा हमारा टोटल वो आएगा 700। ऐसे इन्हें भी जोड़ेंगे, इन्हें का जो टोटल आएगा वो आएगा 20। तो इसे हम लिखते हैं सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब होता है इन सब का जोड़, ऐसे इसमें भी लिखेंगे हम सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ और ये हो गया सिग्मा एक्स। अब हमें क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना, तो फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए माध्य का क्या है फॉर्मूला, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, अभी हमने निकाला है यहाँ पे 700, यहाँ पे हमने 700 लिख दिया। सिग्मा एफ कितना निकाला, 20, ये हमने 20 लिख दिया। अब देखिए 0 से 0 कट गया, और 2 से और काट देंगे इसको, 2 3 6 और 2 5 10, तो एक्स बार बराबर आ गया 35। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वर्ग अंतराल दे रखा है, यानी अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, वर्ग अंतराल के रूप में, तो हम उनका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं अब मैं ये आपको समझाऊंगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। तो निम्नलिखित बारहमाता बंटन का समांतर माध्य विचलन विधि, या तो इसके नाम से लिखा सकता विचलन विधि, अथवा आ सकता कल्पित माध्य विधि, या पद विचलन विधि, इनमें तीनों से कोई सा भी वर्ड मिल जाए, करने का तरीका एक ही है। और क्वेश्चन जो है इस तरह से इसमें दिया होगा, वर्गंतराल नीचे बारंबारता, वर्गंतराल का मतलब 0 से 10, 10 से 20, ये वर्गंतराल कहलाता है, ये कहलाता है बारंबारता। इसका मतलब ये है कि 0 से 10 वर्ष की उम्र वाले 7 बच्चे हैं, और 10 से 20 वर्ष की उम्र वाले 14 बच्चे हैं, यानी कि जिस नंबर की बारंबारता कई बार रिपीट होता है कोई, तो वह उसकी बारंबारता
कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 10 वाले 7 बच्चे हैं, तो यानी 7 यहाँ कोई बारंबार था। अगर बरंतराल के रूप में ऐसे दिया तो उसका करने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। इस फॉर्मूले की सहायता से इसे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर लेंगे। ये फॉर्मूला है समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस के एच यू बार, ये फॉर्मूला है। एक्स एक्स इजिकल ए प्लस के एच यू बार, या हम इसको यूं लिख सकते हैं एक्स बार इजिकल टू ए प्लस के एच सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ये वाला फॉर्मूला। अब यू बार को चाहे आप अलग से निकाल लीजिए या यहीं पे निकाल रहे थे, यू बार बराबर होता है सिग्मा एफ यू अपॉन एफ। तो इस फॉर्मूले की सहायता से इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को बड़े विस्तार से बड़े अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। और ये क्वेश्चन इस टाइप का 100% आता ही आता है, ज़्यादातर मोस्टली आता ही है। तो इसे हम इनमें से 3 वर्ड आपको बताए, विचलन विधि लिखा जाए या कल्पित माध्य विधि आ जाए या पद विचलन विधि आ जाए, तीनों में से किसी भी तरीके से जाए तब आपको इसी विधि से करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम बनाएंगे टेबल। टेबल में देखिए 2 कॉलम तो यही रहने जो आपको दिए रखे हैं, उसके आगे वाले कॉलम सूत्र के हिसाब से हम करेंगे, जो सूत्र में दे रखे हैं वो हम कॉलम बनाएंगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी जो टेबल है कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। ये 6 कॉलम इसके बना लेंगे हम पहले, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले वाले कॉलम में जो आएगा वो आएगा वर्ग अंतराल। क्या आएगा पहले कॉलम में? वर्ग अंतराल। तो ये आप क्वेश्चन से देख के लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में ये दे रखा वर्ग अंतराल 0 से 10 10 से 20, तो ये हम उतार के यहाँ पर रख देंगे। तो पहला क्या है, 0 से। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में लाइक भी करते रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर भी कर दीजिए। इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते तो वो कहलाता है मध्यमांक। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम दोनों को जोड़ेंगे और उसे आधा कर देंगे, तो ये कहलाएगा मध्यमांक। तो 0 और 10 को जोड़ दीजिए और उसको आधा कर दो, कितना हो गया 5। 10 और 20 को जोड़ो 30, 30 का आधा हो गया 15, ये क्या कहलाता है मध्यमान कहलाता है। समझ आ रही है? तो यहाँ पर देखिए 30 और 20 को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25। तो इस तरह देखना 10 का अंतर है, तो हम ऐसे ही आप आगे लिख लेंगे 35, यहाँ आएगा 45 और यहाँ पर 55। समझ आ गया होगा? अब यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एक लाइन हम ये वाली और बना लेते हैं, ये वाली, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला जो कॉलम है वो आता है पहले इनमें से बीच में। देखिए फॉर्मूले में जो ये ए है, ये कहलाता है कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं इसको? कल्पित माध्य, क्योंकि ये कभी कभी आता है कल्पित माध्य विधि से क्वेश्चन निकालो। तो कल्पित माध्य विधि से मतलब यही होता है कि ए का प्रयोग करके क्वेश्चन को करना। तो इसमें क्या होता है, जो बीच वाला अंक होता है उसे हम ए मान लेते हैं। तो बीच का जो भी अंक होगा उसे हम क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। वैसे तो आप कोई सा भी ले लो आंसर तब भी हमारा मिल जाएगा, लेकिन अगर हम बीच वाला लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम देखिए इसे ले लेते हैं ए, ठीक है। ये कहलाता है कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं इसको? कल्पित माध्य। अब करना क्या है, यहाँ पर अगला वाला टर्म निकालना डी। डी होता है एक्स माइनस ए, यानी कि इसमें से प्रत्येक को ए को माइनस करना। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 25 माइनस करेंगे आएगा कितना, माइनस का 20। 15 में से 25 माइनस करेंगे आएगा 10। 25 में से 25 माइनस करेंगे आएगा 0। इसी तरह से आप माइनस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 35 में से 25 10, 45 में से 25 20 और 55 में से 25 आएगा 30, ठीक है। अब उसके बाद निकालना है हमें U। U से U देखिए क्या होता है, ज़रा समझेंगे। U होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, यानी कि जो हमने अभी अभी निकाला है ताज़ा, तो उसमें क्या है, इसमें कोई कॉमन संख्या ऐसी है जो सबको काट रही है, या यूँ कहें कि इनका जो अंतर है, इनका अंतर कितना 10, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पे ये तो हो गया ए, ये कहलाता है एच,
क्या कहलाता है ये, एच, एच बराबर यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 × 20, 10 × 10, 0, 1, 10 × 20, 10 × 30। समझ आ गया। अब इसके बाद अगला कॉलम हमें किताब से उसे क्वेश्चन से देख के लिखना है, वो है एफ, और देखिए ये एफ कितना है, ये सब पूरा उतार दीजिए ऐसे, ये अभी दिया हुआ देखो 7, 14, 28, 26, ये आप पूरा यहाँ पर उतार दीजिए, तो यहाँ पर हम इसको उतारेंगे, तो ये है 7, 14, 28 और 26, 16 और ये 9। अब देखिए करना क्या हमें, अब जरा समझेंगे, बस लास्ट कॉलम है इसमें, अब हमें क्या एफ और यू की जो हमने अभी अभी निकाला है इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, किसकी, एफ की और यू की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि शॉर्टकट मेथड इसलिए क्योंकि इससे जो है कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाती है, अगर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आंकड़े भी होंगे तब भी कैलकुलेशन क्या होगी इसकी, शॉर्ट पड़ जाएगी। तो अब देखिए इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ और यू की, तो एफ और यू की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 × 2 = 14, माइनस वाले एक जगह लिख लीजिए ऐसे, 14 × 14, ठीक, जी 0 हो जाएगा, 26 की एक से करेंगे 26, 16 × 2 = 16 × 2 = 32, और ये आएगा 16 × 9 = 27। अब यहाँ पर करना क्या है, जो माइनस वाले हैं उनको हमें अलग प्लस कर लेना, 14 × 14 = 28, और जो प्लस वाले हैं उनको अलग प्लस कर लेना, तो प्लस वालों की हम प्लस कर रहे हैं, देखिए क्या आएगा, 6 × 2 = 8 और 7 × 15 = 5 और 3 × 2 = 5 और 2 = 7 = 85। अब करना क्या आ जा रहा है, इसको समझेंगे ध्यान से, तो ये हमने ये जो है टेबल आपकी बना दी है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कॉलम वर्गांतराल, फिर मध्यमान, फिर डी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कैसा है, बीच में से कोई सा भी हम उठा लेते हैं उसे ए मान लेते हैं, इसे बोलते हैं कल्पित मान दिए, फिर इसको इसी में से माइनस कर देते हैं सब में से, देखो 5 में से 25, 25 में से 25, 25 में से 25, 15 में से 25, 35 में से 25, 45 में से 25, इस तरह से। उसके बाद जो U आता है ये कैसे आता है, इसमें जो कॉमन संख्या है यानी कि या इसका अंतर है उससे हम भाग कर देते हैं, फिर F उठाकर क्वेश्चन से रख देते हैं, फिर F की और U की मल्टीप्लाई। अब देखिए इनको हम जोड़ लेते हैं, किसका, एक तो हमें सिग्मा को जोड़ना है, सिग्मा F का मतलब F का जोड़, एक इन्हें जोड़ना, इसे बोलेंगे F U। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे देखिए कितना आएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस वाले में से माइनस वाला माइनस कर देंगे, तो 5, 15 में से 8 गए बचे 7, और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गए बचे 5, यानी 57। अब इनको जोड़ लेते हैं, इन्हें जोड़ेंगे देखिए हम, इनका जो टोटल आएगा आ गया 100 आ गया। अब देखिए अब हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, टेबल हमारी बन गई है, अब फॉर्मूला क्या बताया था हमने, ये था फॉर्मूला एक्स बार बराबर ए प्लस के एच सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, तो ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमने जो बीच में मानी थी टेबल में, देखिए ये वाली, ये कहलाती है ए की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी 25। उसके बाद एच, एच क्या था जिससे हमने डिवाइड किया था या इनका अंतर, एच कितना था यहाँ पर देखिए 10, तो एच की जगह हमने रख दिया 10, और सिग्मा एफ यू जो हमने अभी टोटल किया है वो कितना है 57, अपॉन में क्या रखना है 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से जीरो कट गया, जब हम 10 से भाग देते हैं तो बस एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, तो हम एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यह जाएगा 5.7। अब इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया 30.7, ये हो गया आंसर। ये कहलाता है शॉर्टकट विधि से समांतर माध्य निकालना, या लघुत्तर विधि से निकालना, या कल्पित विधि से निकालना, तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये पद विचलन विधि भी बोल देते हैं इसको, अथवा कल्पित माध्य विधि कह देते हैं, या पद विचलन विधि, इनमें से किसी से भी निकल कर आ जाए तो आपको इसी विधि से क्वेश्चन करना है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का या 6 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आसान है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ में आपके जो फ्रेंड हैं उनको शेयर भी कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, और अगले वीडियो तक के लिए आप SP मैथ्स चैनल पर बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।